चैप्टर वन पढ़ेंगे हम। ये जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं ना, इंग्लिश की बुक आप सभी लोग पहले ओपन कर लीजिए। ये देखिए स्टेपिंग स्टोन आपकी बुक है इंग्लिश की, पेज नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 1। पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 एंड द पोयम नेम इज अ क्रोकोडाइल सेड क्राइम। व्हाट इज द नेम ऑफ पोयम? अ क्रोकोडाइल सेड क्राइम। सो ओके लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी? वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा इस पोयम में हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा ना? अगर नहीं पढ़ा है तो ये बहुत बुरी बात है। एक पार्ट मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ। आई ऑलरेडी टीच यू वन पार्ट टू सी व्हाट वुड पास बाय। यहाँ देखिए इतना मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ यहाँ का, ओके? आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो बहुत बुरी बात है, आप लोगों को फिर से वो पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। जिसने पढ़ा है वो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फटाफट वो आंसर दे देगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो। जिसने नहीं पढ़ा है वो आंसर नहीं दे पाएगा, है ना? आंसर ना देना बैड स्टूडेंट। इफ यू डोंट नो द आंसर दैट मींस कि आपने ध्यान से पोयम नहीं पढ़ी है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं? स्विमिंग इन द रिवर वॉज अ जूसी लिटिल फ्रॉग, जो छोटा सा
बाद जूसी मतलब रसीला, जूसी मींस रसीला, जो मेढक था वो नदी में तैर रहा था। Who thought the weeping crocodile was just a fallen log? Who thought? उसने सोचा, the weeping crocodile मतलब रोता हुआ मगरमच्छ। Weeping means crying. And what is the meaning of log? Who thought the weeping crocodile? उसने सोचा रोता हुआ मगरमच्छ, just a fallen log, बस एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो क्या सोचा? Log means होता है लकड़ी का एक टुकड़ा। लकड़ी का एक मोटा सा टुकड़ा होता है ना, उसको लॉग बोला जाता है। उसने सोचा जो मगरमच्छ रो रहा है वो एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मोटा सा लट्ठा जिसको कहते हैं। He hopped out of the water. Hop means jump. वो पानी में से कूद गया। He jumped out of the water for a rest there by its side. उस किनारे पे आराम करने के लिए, rest means आराम करना। But as he settled down, he saw the crocodile who cried. But जैसे ही, लेकिन जैसे ही वो जो frog था वहां पे आके बैठा, उसने देखा the crocodile who cried, उस मगरमच्छ को जो रो रहा था। तो इस लाइन में हमने क्या क्या पढ़ा? वहां पे नदी में एक जूसी फ्रॉग था, वो क्या कर रहा था? स्विमिंग कर रहा था। वेरी नाइस, वो स्विमिंग कर रहा था। देन क्या हुआ? हाँ गुड, वो पानी में से कूद कर बाहर आ गया। और उसको जो मगरमच्छ था क्रोकोडाइल, वो कैसा लगा? कैसा लगा? लॉग के जैसा। मींस द क्रोकोडाइल वॉज लुकिंग लाइक अ लॉग। क्रोकोडाइल एक लकड़ी के लट्ठे की तरह लग रहा था उसको। ओके, सो हमने आज नेक्स्ट सेकेंड पार्ट पढ़ लिया है। सेकेंड पार्ट, टू पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ये सेकेंड पार्ट फिर से जाकर पढ़ना है अपने आप से, खुद से। जो मीनिंग नहीं समझ आ रही है वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है? मीनिंग नोट कर लेंगे, देन उसका अगर जो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है नोट करिए, फिर मुझसे आकर आप पूछेंगे। ओके, उसका मीनिंग, पोयम का अर्थ, कुछ भी है जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप अपने आप से पढ़िए। और अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं पढ़ा है जिसने जिसने, वो पढ़ेंगे ताकि मैं पूछूं तो आपको आंसर पता हो, नहीं पता हो।